मंगलवार रात को घड़ी में 8 बजने वाले थे और हमेशा की तरह एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने रात 8 बजते बजते देश को चौंका दिया। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलेगा, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जो लोग हैं बड़े पैमाने पर देखते थे, तो ऐसे में यह फैसला अति पिछड़ी जातियों के लिए बीजेपी की तरफ से भी बहुत बड़ा फैसला है उनको लुभाने के लिए। भारत में राम मंदिर यानी कमंडल का शोर अभी पूरी तरह थमा भी नहीं था कि मंडल यानी पिछड़ा शब्द का शोर चारों दिशाओं में गूंजने लगा। 22 तारीख को रामलला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में विराजे, उसको पूरा किया और 23 तारीख को जिन्होंने पहली बार सामाजिक न्याय को मूर्त रूप देने का काम किया, वो जननायक को भारत रत्न मिले, 23 तारीख को मोदी जी ने उसको भी समाप्त। बुधवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती से ठीक पहले भारत सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। देश ने एक बड़ा निर्णय लिया है, ये निर्णय है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का। ये बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। बिहार की राजनीति में कर्पूरी शब्द का मतलब क्या है, उन्हें बुधवार सुबह आई इन तस्वीरों के जरिए समझिए। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना से आई हैं। पटना की मुख्य सड़क के बीचों बीच एक सजा हुआ ट्रक खड़ा है। ट्रक खड़ा करने का मकसद स्टेज बनाना है। दरअसल पटना में बीजेपी ने दफ्तर के बाहर ये मजमा लगाया है, जहां सड़क पर ही कुर्सियां रख दी गई। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से पूछा कि आखिर उन्होंने पटना में बीच सड़क को क्यों जाम कर रखा है, तो जवाब सुनिए। सड़क पे क्यों है, जाम क्यों कर रहे हैं? सड़क बीच सड़क पर इसलिए उतरे हैं कि हमको मैदान देकर भी मैदान नहीं दिया गया, मैदान की स्वीकृति देने के बाद भी मैदान नहीं दिया गया। ये अराजक हमें क्यों होना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे मैदान को जदयू के लोगों ने घेर रखा है। हम लोगों ने 5 दिन पहले सरकार से आग्रह किया था, जदयू के लोगों से आग्रह किया था कि हमारा आज का 24 तारीख का मैदान बुक है, आप उसे खाली कर दे। सुन रहे हैं आप, पटना में कर्पूरी ठाकुर के नाम पर राजनीतिक घमासान इसलिए मचा है क्योंकि बीजेपी का आरोप है कि उनकी 100वीं जयंती के कार्यक्रम के लिए जो मैदान मिला था उस पर जेडीयू ने कब्जा कर रखा है। दरअसल बिहार में अति पिछड़ों के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर कार्यक्रम कराने के लिए सभी पार्टियों में होड़ मची हुई है, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी या फिर जेडीयू, सभी ये साबित करना चाहते हैं कि वे कर्पूरी ठाकुर के सबसे ज्यादा साथ हैं, उनके सबसे ज्यादा करीब हैं। सवाल यह है कि कर्पूरी ठाकुर के जरिए कौन सी सियासी चाल चली जा रही है? क्या कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर बीजेपी ने बाजी मार ली है? पिछड़ों की राजनीति के लिए कर्पूरी ठाकुर कितने जरूरी हैं? क्या राजनीतिक मजबूरी की वजह से कर्पूरी के नाम पर हर खेमे में क्रेडिट लेने की होड़ मची है? इन सवालों के जवाब के लिए सबसे पहले देखिए कि कर्पूरी ठाकुर पर हुए एबीपी न्यूज सी वोटर का त्वरित सर्वे क्या कहता है। हमने सवाल पूछा था कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला क्या मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। 58% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 20% लोगों ने नहीं कहा। 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का
भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे लेकिन कल कर दिया है तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया।